जैसे इंडिया नाम नहीं था, भारत ही नाम था, तो अगर मोदी सरकार सेम चीज फॉलो कर रही है, पुराने चीज को फिर से लेके आ रही है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये चर्चा जो है वो बड़ी तेज चल रही है कि भारत और इंडिया, आपको कौन सा पसंद है, इंडिया या भारत? हमको दोनों पसंद है, दोनों पसंद है, नाम से कोई ये नहीं है, नाम से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। क्योंकि हम लोग भारतीय हैं शुरू से, हिंदी भाषी क्षेत्र, तो भारत एक अपनापन सा लगता है, बस इसलिए भारत। वैसे तो इंडिया भी ठीक है, बट भारत थोड़ा अपनापन सा लगता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। एक तरफ दिल्ली में नरेंद्र मोदी जो है वो G20 की बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुशनुमा शाम जो है वो बीतने को तैयार है पटना के मरीन ड्राइव पर। हमारे साथ कई लोग होंगे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एक शख्स से, कैसे देखते हैं अब ये चर्चा चल पड़ी है कि भारत और इंडिया, आपको कौन पसंद है, भारत या इंडिया? मुझे तो भारत ही पसंद है। क्यों? इसलिए क्योंकि ऑफकोर्स पहले से इंडिया नाम नहीं था, भारत ही नाम था, तो अगर मोदी सरकार सेम चीज़ फॉलो कर रही है, पुराने चीज़ को फिर से लेके आ रही है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये घूमने के लिए आए थे मरीन ड्राइव? हाँ, फैमिली के साथ घूमने के लिए। चलिए आपकी फैमिली से भी हम बात करेंगे। आइए, आप लोग कहाँ जा रही हैं, रुकिए है। अच्छा चलिए सुनिएगा, ये चर्चा जो है वो बड़ी तेज चल रही है कि भारत और इंडिया, आपको कौन सा पसंद है, इंडिया या भारत? हमको दोनों पसंद है, दोनों पसंद है, नाम से कोई ये नहीं है, नाम से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अच्छा है, नाम से कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। शाम जो है वो ढलने को है और इस वक्त पटना वाले जो हैं वो मरीन ड्राइव पर खूब आते हैं, घूमते हैं अपनों के साथ, परिवार के साथ। कुछ भाई जी, एक दिन खूब चर्चा हो रही है भारत या इंडिया, आपको कौन पसंद है? भारत। भारत क्यों? ये पुराना नाम है हमारे देश का, उसके बाद भारत इसी का नाम, हम लोग को भारत, इंडिया तो अंग्रेजों का दिया, हम लोग अंग्रेजी संविधान को छोड़ना चाहिए, इसी कारण छोड़ना चाहिए। चलिए दो और शख्स आ रहे हैं, उनसे ही पूछेंगे। इन दिनों खूब चर्चा चल रही है भारत या इंडिया, आपको कौन सा पसंद है, इंडिया या भारत? भारत। भारत क्यों? अपनापन लगता भारत में। इंडिया में नहीं लगता क्या? इंडिया में नहीं लगता। चलिए, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। बाबू, भारत और इंडिया कौन सा पसंद है? इंडिया भारत दोनों, दोनों पसंद है ना, आपको कौन सा पसंद है, इंडिया या भारत? दोनों तो एक ही है, लेकिन इन दिनों ना खूब चर्चा चल रही है, भारत का जो उपयोग है वो बढ़ गया है, तो कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी हो या नीतीश हो या ममता बनर्जी, इंडिया जो बना है, और कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया वालों से घबरा गए इसलिए भारत बोला जा रहा है। दोनों एक ही है। चलिए, दोनों एक ही है। कुछ और भी लोग हैं इस वक्त आते हैं, हम उनसे बात करेंगे, रुकिएगा एक मिनट। भारत और इंडिया, अब चर्चाएं चल रही हैं कि कई जगहों पर भारत का जिक्र ज़्यादा किया है, आपको कौन सा पसंद है, भारत या इंडिया? भारत। भारत क्यों? क्योंकि हम लोग भारतीय हैं शुरू से, हिंदी भाषी क्षेत्र, तो भारत एक अपनापन सा लगता है, बस इसलिए भारत। वैसे तो इंडिया भी ठीक है, बट भारत थोड़ा अपनापन सा लगता है। G20 की बैठक चल रही है दिल्ली में, मालूम है? जी बिल्कुल मालूम है। लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबली एक तरह से इंडिया का नाम जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक प्राइड की बात है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं इस क्षेत्र में, तो उनका वर्क वाकई अच्छा रहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने जो रिश्ता जो रिलेशनशिप वो अच्छा कर पाए हैं, तो जो भी भले ही इंडियन जो स्टूडेंट सब हैं उनके लिए नहीं कर पाए, बट इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उनके लिए अच्छा वर्क कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर पाए काम? क्या नहीं, आप बिहार में देख लीजिए, क्या क्या है आपका बिहार में, कितना बेरोजगारी है, स्टूडेंट्स सब मतलब इधर उधर भौंकते हैं कि उनको रोजगार मिल जाए, जॉब मिल जाए, उनके लिए गवर्नमेंट का वैसा नहीं मिला है, जो भी करना चाहिए उनको नहीं कर पाया अभी तक। चलिए एक और शख्स है, उनसे बात करेंगे। भाई जी, भारत या इंडिया कौन पसंद है? हमें तो दोनों पसंद है। दोनों पसंद है जी। अच्छा, ये सत्ता पक्ष वाले इन दिनों भारत का खूब चर्चा कर रहे हैं और लिखंत में भी भारत खूब इस्तेमाल हो रहा है, इसको नहीं, जो चलते आ रहा नाम तो उसको तो दोनों का ही हम लोग अच्छा मानते हैं। चलिए एक और है, क्या कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे, ये बताओ भारत इंडिया कौन पसंद है तुम्हें? मुझे भारत। भारत पसंद है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 11th पढ़ते हो। अच्छा, मोदी जी ठीक लगते हैं? यस। अच्छा, नीतीश जी? हाँ। अच्छा, तेजस्वी जी? ना। अच्छा, नीतीश जी ठीक लगते हैं, मोदी जी ठीक लगते हैं, तेजस्वी ठीक नहीं लगते। अच्छा, चिराग जी को जानती हो? चिराग पासवान, नाम सुने हो? देखिए 11th में पढ़ती है लेकिन सबको जानती है, ऐसा नहीं है, और कौन पसंद है कौन ना पसंद है इसको भी बखूबी से जो है वो बता रही है। अच्छा, सबसे अच्छा कौन पसंद है नेता में? सब तो ठीक ही अपने, सब तो ठीक ही है। चलो ठीक है,
चलिए और भी हम लोगों से जो है वो बात करेंगे। चलिए चलते 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 हैं, जो भी लोग आगे मिलेंगे हम उनसे जो है वो बातचीत जो है वो करेंगे। अंकल रुकिएगा रुकिएगा, भारत या इंडिया आपको कौन पसंद है? भारत या इंडिया? हाँ, कौन नाम कौन पसंद है आपको? इंडिया। इंडिया, चलिए ये इंडिया वाले थे, इन्हें इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन्हें इंडिया जो है वो पसंद है। शाम जो है वो ढल चुकी है और इस वक्त जो है ना पटना वाले लोग खाने पीने के लिए खूब जो है वो मरीन ड्राइव पर आते हैं। भारत या इंडिया आपको कौन पसंद है? भारत या इंडिया कौन पसंद है? एक ही है, दोनों दोनों एक ही है ना? एक ही। लेकिन इन दिनों नाम को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं, एक पक्ष कह रहा है कि भारत होना चाहिए, एक पक्ष कह रहा है नहीं इंडिया में क्या खराबी है? भारत ही ठीक है। ठीक है, भारत अच्छा है ना? हाँ। नाम तो दोनों एक ही है, भारत ठीक है। कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं क्या भारत से? कनेक्टेड क्या रहेगा, दोनों एक ही है। ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया। हाँ। और क्या। हाँ। चलिए देखिए शाम का वक्त, महिलाएं जो हैं वो गोलगप्पा खाते हुए नजर आ रही हैं। देखिए एक अंकल हैं जो भेलपुरी की दुकान पर मुझे नजर आ रहे हैं। अंकल भारत या इंडिया? इंडिया। इंडिया क्यों? यूं ही कई लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि भारत ही रहना चाहिए। नहीं, इंडिया अच्छा लगता है। इंडिया आपको अच्छा लगता है। अच्छा, G20 की बैठक चल रही है, आपको लगता है कि पीएम मोदी ग्लोबली एक तरह से इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं? यस यस, इसमें नो डाउट। देख सकते हैं कि शाम का वक्त है, लोग इस वक्त जो है, अंकल जी रुकिएगा, भारत या इंडिया कौन सा जी? भारत या इंडिया? इंडिया, इंडिया। भारत नहीं चलेगा? नहीं, भारत नहीं चलेगा। इंडिया, भारत जो है वो नहीं चलेगा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। भैया इन दिनों खूब चर्चाएं हो रही हैं, भारत या इंडिया आपको कौन सा पसंद है, इंडिया या भारत? भारत। अच्छा, आपको कौन सा पसंद है? क्या चीज? भारत या इंडिया? इन दिनों चर्चाएं खूब हो रही है, भारत। आपके मित्र ने तो भारत कहा, आपने कहा इंडिया। मैंने भारत कहा, रिकॉर्डिंग पे चला। ओके, इंडिया या भारत? देखिए इंडिया और भारत में दोनों तो एक ही है, ठीक है। इंडिया जहाँ से वर्ल्ड बना है इंडस, ठीक है, तो वहीं से डिराइव हुआ है, तो उसको इंडिया और भारत एक ही है। लेकिन इसका नाम अलग अलग आप बोलना चाह रहे हैं तो इसका मीनिंग अलग निकलता है, लेकिन दोनों का अगर आप दिल से जोड़ेंगे तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो आपको कौन पसंद है? भारत। भारत। अच्छा ये बताइए, G20 की बैठक हो रही है दिल्ली में, ग्लोबली हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन हो रहा है, पीएम मोदी की तारीफ करनी चाहेंगे पूरे? हाँ, ये तो जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि ये G20 है उसमें सब विकसित देश आ रहे हैं और इसमें भारत का जो हम लोग बोलेंगे, हम लोग इसका उत्तरदायी देना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि ये भारत का गौरव बढ़ाएगा। G20 का मीनिंग हम लोग अगर यहाँ पे भारत में होगा तो पूरे देश में, वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन होगा, तो ये मैं बोलना चाहूँगी बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, और इसके लिए एक कड़ी बिल्कुल मोदी जी के कारण बहुत ज़्यादा भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हो रहा है बहुत अच्छे से। उनका हम धन्यवाद देंगे अपने प्रधानमंत्री जी का। चलिए धन्यवाद देंगे पीएम नरेंद्र मोदी का, ये कहते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। पटना का मौसम जो है वो इस वक्त बहुत ही सुहाना है, शाम में बारिश हुई और बारिश ख़त्म हो गई, और जैसे ही बारिश ख़त्म हो गई लोग खाने पीने के लिए फुटपाथ आइटम के लिए मरीन ड्राइव चले जाते हैं, और वैसे भी शाम में यहाँ पर खचाखच भीड़ जो है वो लोगों की होती है। तकरीबन मुझे लगता है कि यहाँ पर 200 से 300 दुकानें जो है ना वो हो गई हैं, सिर्फ खाने पीने की दुकानें जो है वो यहाँ पर खुल गई हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर देते हैं, और हमने बेसिकली इस वीडियो में पूछा कि लोगों से कि आपको भारत पसंद है या इंडिया पसंद है, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रहीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें भारत पसंद है, तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें इंडिया पसंद है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।